हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शन सी। आज की क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे हम डबल कॉलम कैश बुक के। इसे लास्ट क्लास में हमने डबल कॉलम कैश बुक का जो बेस था, थ्योरी बेस टोटली कवर कर लिया। एक एक पॉइंट को हमने बिल्कुल अच्छे तरीके समझा था। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेज नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शन सी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट की। यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स एंटर करनी है कैश बुक के अंदर, जहाँ पे स्पेसिफाई किया गया कि कैश और बैंक कॉलम दोनों ही बनाने हैं, यानी कि डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करनी है। 2017 की 1 जैन को बैलेंसेज गिवन है, कैश इन हैंड का भी और कैश एट बैंक का भी। तो जो हमारे पास ये स्टार्टिंग के बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्टार्टिंग 1 जैन है, तो यहाँ पे जब मंथ की स्टार्टिंग होती है तो लास्ट पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस होता है। तो ये हमारे पास कैश और बैंक दोनों के ही ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है। तो जब हम स्टार्ट करेंगे कैश बुक को, तो जो ये ओपनिंग बैलेंस है ये डेबिट साइड दिखाए जाएंगे, कैश का भी बैंक का भी, क्योंकि यहाँ पे जो कैश और बैंक होती है ये दोनों ही असेट्स होती हैं। असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, तो इस कारण से जब कैश बुक की शुरुआत करेंगे तो वह डेबिट साइड से की जाएगी। कवर करते हैं इस कंसेप्ट को। सबसे पहले कैश बुक का परफॉर्मा बनाते हैं। जो कैश बुक का परफॉर्मा होता है उसमें दो साइड होती है, एक होती है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड। सबसे पहला जो कॉलम आता है वो आता है डेट का, फिर आते हैं पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स में यहाँ पे जो अमाउंट दिखाई जाती है वो आती है रिसिप्ट की, यानी कि जहाँ से पैसा आएगा सारा रिसिप्ट हमने यहाँ पे दिखा देना है। उसके बाद कॉलम आता है वाउचर नंबर का, देन लेजर फोलियो। फिर यहाँ पे दो कॉलम बनाए जाएंगे, एक कैश का कॉलम आएगा और दूसरा बैंक का कॉलम आएगा। इसी तरीके से हमने सेम क्रेडिट साइड भी बनाना होता है। सबसे पहला कॉलम डेट का, फिर आता है पार्टिकुलर्स का, लेकिन यहाँ पे जो पार्टिकुलर्स आते हैं ये आते हैं पेमेंट के, यानी कि जितनी पेमेंट की जाएगी वो सारी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट कॉलम आता है वाउचर नंबर का, फिर लेजर फोलियो का। यहाँ पे हम दिखाएंगे कैश को और यहाँ पे अमाउंट रिकॉर्ड की जाएगी बैंक पेमेंट की। तो हमने 2017 की 1 जैन को ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है ओपनिंग बैलेंस से। ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो डेबिट साइड दिखाया जाता है, तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करके चलेंगे टू बैलेंस बीडी के नाम से। तो हमारे पास कैश और बैंक दोनों के ओपनिंग बैलेंस गिवन है, 4000 कैश के और 12000 बैंक के। तो यहाँ पे हमने 4000 कैश का और 12000 रुपये बैंक का ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड कर लिया है। 4 जैन को ट्रांजेक्शन की गई है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में सेल की गई है गुड्स। तो जब सेल की जाती है गुड्स तो उससे कैश रिसिप्ट होती है। तो यहाँ पे कैश रिसिप्ट हो रही है, तो कैश के कॉलम के अंदर कैश बुक में दिखाएंगे अपोजिट अकाउंट ओपन करना होता है। अपोजिट अकाउंट जो यहाँ पे बनता है वो है सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे हम जब इसको रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक के अंदर कैश कॉलम में रिसिप्ट साइड पे, तो रिकॉर्ड की जाएगी टू सेल्स अकाउंट के नाम। 4 जैन को रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन, 4 जनवरी को ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएगी रिसिप्ट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू सेल्स अकाउंट के नाम से। अमाउंट पोस्ट करते हैं 13200। तो यहाँ पे हमने कैश कॉलम के अंदर दिखाने, क्योंकि कैश में सेल की गई है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहती है हमें रिसीव अमाउंट रिसीव हुए सुरेश से, सुरेश से अमाउंट रिसीव हुए। तो यहाँ पे हमने रिसिप्ट साइड पे इसको रिकॉर्ड कर देना है। अमाउंट जो रिसीव हुए वो 2500 से। तो जब इसको कैश बुक के अंदर रिसिप्ट साइड पे शो किया जाएगा तो हम कैश कॉलम के अंदर शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि बैंक रिसीव हुई है चेक के थ्रू रिसीव हुई है, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि कैश की रिसिप्ट हुई है। तो कैश बुक के अंदर रिसिप्ट साइड पे अपोजिट अकाउंट जो बनेगा यहाँ पे सुरेश बनेगा, क्योंकि जब हम इसको जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते तो कैसे रिकॉर्ड करते, कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश के नाम से रिकॉर्ड करते। तो यहाँ पे अपोजिट अकाउंट ऑफ सुरेश है, तो टू सुरेश के नाम से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक के अंदर कैश कॉलम में 5 जनवरी को। 5 जनवरी को टू सुरेश के नाम से कैश कॉलम के अंदर 2500 रुपये रिकॉर्ड कर लिए गए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 6 जैन की, रिसीव ए चेक फ्रॉम रवि, रवि से चेक रिसीव हुआ और इमिडिएटली डिपॉजिट कर दिया बैंक के अंदर। जैसे चेक रिसीव हो रवि से इमिडिएटली, यानी कि सेम डे को ही बैंक के अंदर जमा करा दिया। तो यहाँ पे जो एंट्री की जाएगी वो बैंक के अंदर की जाएगी। तो अगर हम इसके जर्नल रिकॉर्ड करते तो कैसे रिकॉर्ड करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू रवि के नाम से करते। तो यहाँ पे हमने बैंक की
यानी कि डेबिट किया बैंक को तो डेबिट साइड पे, यानी कि जब कैश बुक करेंगे तो कैश बुक की डेबिट साइड पे बैंक कॉलम के अंदर रिकॉर्ड करेंगे टू रवि के नाम से। 6 जैन की ट्रांजेक्शन है, 6 जैन को रिकॉर्ड करेंगे अपोजिट अकाउंट, यहाँ पे रवि है तो टू रवि के नाम से, लेकिन बैंक कॉलम के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी ट्रांजेक्शन 6400 से, क्योंकि जब चेक रिसीव हुआ इमिडिएटली बैंक के अंदर जमा करा दिया। जैसे बैंक के अंदर जमा करवाया गया वैसे ही बैंक रिसीवर हो गई है, बैंक आते हैं पर्सनल अकाउंट के अंदर, पर्सनल अकाउंट का रूल कहते हैं डेबिट द रिसीवर, बैंक रिसीव कर रही है इस कारण से बैंक को डेबिट कर दिया। तो हमने ट्रांजेक्शन डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर ली है, अपोजिट अकाउंट जो यहाँ पर ओपन करना होता है अपोजिट अकाउंट बनता है रवि, तो टू में रवि के नाम से बैंक कॉलम के अंदर 6400 है जो दिखा दिए गए। 7 जैन की ट्रांजेक्शन गिवन है सैलरी पे टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक, सैलरी पे की गई है ऑफिस को लेकिन जो पेमेंट की गई है वो चेक के थ्रू की गई, यानी कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन बैंक के द्वारा की गई है। सैलरी एक्सपेंस होता है, नॉमिनल के हिसाब से एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे जब सैलरी पेमेंट की गई है तो पेमेंट साइड पे हमने कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन चेक के थ्रू पेमेंट होने के कारण बैंक कॉलम में रिकॉर्ड की जाएगी, क्योंकि अगर हम इसकी जर्नल रिकॉर्ड करते तो कैसे करते, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक के नाम से। तो यहाँ पे हमने पेमेंट साइड पे बैंक कॉलम के अंदर बाय सैलरी के नाम से दिखाएँ, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट की गई है, पेमेंट साइड पे जो रिकॉर्ड किया था ट्रांजेक्शन वो बाय से की जाती है, तो बाय सैलरी अकाउंट के नाम से दिखाएंगे बैंक कॉलम के अंदर 7th of January को 7600 रुपये। पेमेंट साइड पे 7th of February 2017 की यहाँ पे एक्सपेंस अकाउंट जो कि सैलरी है, सैलरीज अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा, चेक के थ्रू पेमेंट की गई है तो यहाँ पे बैंक के अंदर 7600 रुपये रिकॉर्ड कर लिए गए। 10th January की ट्रांजेक्शन गिवन है पेमेंट की गई सुधीर को चेक के थ्रू, तो यहाँ पे कैश बुक के अंदर पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे अपोजिट अकाउंट ओपन किया जाएगा सुधीर, क्योंकि यहाँ पे सुधीर को पेमेंट की गई है तो चेक के थ्रू की गई है, तो इस कारण से बैंक कॉलम के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा 10th of January को बाय सुधीर के नाम से 5000 बैंक कॉलम के अंदर कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। 10th January को पेमेंट की गई है तो डेट के आगे 10th लिख देंगे, यहाँ पे पेमेंट की गई तो पेमेंट के कॉलम के अंदर अपोजिट अकाउंट सुधीर को की गई है तो बाय में सुधीर के नाम से लिख देंगे, चेक के थ्रू की गई है तो बैंक कॉलम के अंदर 5000 पोस्ट कर दिए जाएंगे। 12th of January की एक्सपेंसेस गिवन है पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे पेमेंट की गई है तो कैश बुक में पेमेंट साइड पे कैश कॉलम के अंदर दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि चेक के थ्रू पेमेंट की गई है, इस कारण से मानेंगे कि जो पेमेंट की गई है वो कैश में की गई है, तो इसे हम कैश कॉलम के अंदर रिकॉर्ड करेंगे जो ट्रांजेक्शन है 12th of January की। 12th of January को एक्सपेंस पे की गई है तो हमने पेमेंट की साइड पे 12th of January को दिखा देंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे की गई है तो यहाँ पे बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से दिखाया जाएगा, ये जो पेमेंट की गई है सिंपली तो ये कैश के अंदर आएगी 1200 से, अगर चेक थ्रू होता तो बैंक कॉलम के अंदर इसको शो कर देते। 15th of January की ट्रांजेक्शन गिवन है कैश परचेज की गई है, यानी कि परचेज की गई है कैश के अंदर, तो जब परचेज की जाती है उसे कैश की पेमेंट की जाती है, क्योंकि अकाउंट कैसे हम इसको रिकॉर्ड करती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश के नाम से करती हैं, तो पेमेंट साइड पर हम दिखाएंगे अपोजिट अकाउंट परचेज है तो 15th of January को बाय परचेज के नाम से दिखाया जाएगा पेमेंट साइड पे कैश कॉलम में। 15th January की ट्रांजेक्शन है परचेज की गई है तो बाय में परचेज अकाउंट दिखा देंगे, कैश में पेमेंट की गई है तो कैश में दिखा देंगे 8000 कैश कॉलम में दिखाई गई है। 16th January की ट्रांजेक्शन गिवन है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक के अंदर कैश जमा कराई गई है, अब जब बैंक के अंदर कैश जमा कराई जाती है तो इससे इफेक्ट क्या पड़ता है, बैंक बैलेंस बढ़ जाता है वहीं कैश बैलेंस कम हो जाता है, क्योंकि जब बैंक में पैसा जमा कराया इससे बैंक बैलेंस तो बढ़ गया, लेकिन अब बैंक से जमा कराने से क्या होता है कि जो बिजनेस होते हैं बिजनेस के पास से कैश जा रहा है तो कैश क्या हो रही है कम हो रही है, तो यहाँ पे हम इस ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, तो ये काउंटर एंट्री हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड इसका इंपैक्ट पड़ेगा, कैश में भी और बैंक में भी, और डेबिट साइड भी और दूसरा क्रेडिट साइड भी इंपैक्ट पड़ेगा, तो ये काउंटर एंट्री बन जाएगी। पहले मैं आपको इसकी जर्नल रिकॉर्ड करती हूँ फिर इसकी पोस्टिंग समझाते हैं कैसे होगी। जब बैंक के अंदर पैसा जमा कराया तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट
टू में कैश अकाउंट, यहाँ पे जो अमाउंट है 10,000 से, क्योंकि जब बैंक के अंदर पैसे जमा कराए जाते हैं तो बैंक रिसीव करती है, बैंक पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है, रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, इस कारण से बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। कैश रियल अकाउंट के अंदर आती है, रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है इस कारण से इसको क्रेडिट कर देंगे। तो कैश बुक के अंदर कैसे रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट है तो हमने कैश बुक के डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू कैश अकाउंट ओपन कर देना है, लेकिन जो पोस्टिंग की जाएगी वो बैंक कॉलम के अंदर की जाएगी 10,000 से। स्टार्ट करते हैं, बैंक डेबिट तो हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। 16th ऑफ जैन को डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट ओपन करेंगे, टू में कैश अकाउंट, लेकिन जो पोस्टिंग की जाएगी वो बैंक अकाउंट के अंदर की जाएगी 10,000 से, तो हमने बैंक अकाउंट के अंदर कर देना 10,000। नेक्स्ट कैश अकाउंट क्रेडिट है तो हमने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करनी है, यानी कि कैश बुक की ये क्रेडिट साइड बनती है, तो हमने 16th ऑफ जैन को यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट ओपन करना है, बाय बैंक अकाउंट के नाम से दिखाया जाएगा, लेकिन कैश के कॉलम के अंदर दिखाई जाएगी 10,000। तो यहाँ पे लेजर फोलियो कॉलम के अंदर दिखा देंगे, सी लिख देंगे कि ये जो एंट्री है ये कौन सी एंट्री है, काउंटर एंट्री है, क्योंकि यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट है, इस कारण से कैश बुक की क्रेडिट साइड पे हमने अपोजिट अकाउंट बाय बैंक अकाउंट ओपन किया है, लेकिन कैश कॉलम के अंदर दिखाए हैं 10,000। 20th जैन की ट्रांजेक्शन गिवन है कैश सेल की, सेल है जो कैश के अंदर की गई है, तो यहाँ पे जब कैश में सेल की जाएगी तो उससे रिसिप्ट होगा, कैश का रिसिप्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे कैश डिफाइन किया गया है, तो हमने कैश बुक के अंदर रिसिप्ट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू सेल्स अकाउंट के नाम से दिखाना है। 20 जनवरी को रिसिप्ट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू सेल्स अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, यहाँ पे जो सेल की गई है वो कैश में की गई है, इस कारण से ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड की जाएगी वो कैश कॉलम के अंदर की जाएगी 15,100 से। परचेज की गई मशीनरी और पेमेंट की गई है कैश के द्वारा, तो यहाँ पे पेमेंट साइड पे अपोजिट अकाउंट ओपन करेंगे मशीनरी, क्योंकि मशीनरी खरीदी गई है, कैश कॉलम के अंदर रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट साइड पे। 21st जैन की ट्रांजेक्शन है, मशीनरी परचेज करके लेके आए हैं, तो यहाँ पे बाय मशीनरी अकाउंट दिखाया जाएगा, पेमेंट की गई है जो कैश के अंदर की गई है, तो कैश कॉलम के अंदर 6,800 रिकॉर्ड कर ले जाएंगे। जो मशीनरी परचेज करके लेके आए थे उसके लिए इरेक्शन जब करवाई गई तो उसकी वेज पेमेंट करनी पड़ेगी, तो हम जानते हैं कि जब भी मशीनरी जो कि कैपिटल असेट्स होती है, इसकी इंस्टॉलेशन खर्चा हो या फिर इसकी इरेक्शन के ऊपर जो ये वेजेस पे की गई है, तो इसके लिए हमें अलग से एक्सपेंस अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसे मशीनरी अकाउंट के नाम से दिखा दिया जाएगा, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होता है, तो ये भी हम पेमेंट साइड पे, क्योंकि वेज क्या की गई है, पे की गई है, तो इसको भी हम पेमेंट साइड पे दिखाएंगे, लेकिन मशीनरी अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, ना कि एक्सपेंस अकाउंट के नाम से। यहाँ पर 20th जैन को मशीनरी परचेज की गई है, 21 को जो इसकी रिएक्शन करवाई गई है, तो ये भी हमने बाय मशीनरी अकाउंट के नाम से दिखा देना है, जिसका एक्सपेंस है 400, तो कैश कॉलम के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि जो पेमेंट की है खर्चों की वो कैश के अंदर की गई है। 22nd जैन की ट्रांजेक्शन विदड्रॉ की गया बैंक से ऑफिस यूज के लिए, तो यहाँ पे बैंक से पैसा निकलवा के लेके आए हैं, लेकिन इस्तेमाल किस लिए किया गया, ऑफिस यूज के लिए, तो जब बैंक से पैसा निकलवा के लेके आते हैं तो उससे बैंक बैलेंस कम हो जाता है और कैश बैलेंस बढ़ जाता है, तो यहाँ पे जब इसको रिकॉर्ड करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, तो ये हमारे पास काउंटर एंट्री हो जाएगी, क्योंकि इसका कैश और बैंक के ऊपर दोनों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी कैश बुक के, तो पहले इसकी जनरल रिकॉर्ड करते हैं, फिर इसकी पोस्टिंग समझते हैं। जब बैंक से पैसा विदड्रॉ करवा के लेके आए तो कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कैश होती है रियल अकाउंट के अंदर आती है, रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है इस कारण से कैश को डेबिट कर दो। जब बैंक से पैसा विदड्रॉ करवा के लेके आते हैं तो बैंक बैलेंस कम हो जाता है, सेकंडली बैंक पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे बैंक दे रहे इस कारण से बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। 7,500 से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली जाएगी। अब टर्न आती है कैश बुक के अंदर कैसे रिकॉर्ड करें, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट है, कैश बुक की डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट ओपन करेंगे टू बैंक अकाउंट, लेकिन जो अमाउंट दिखाई जाएगी वो कैश कॉलम के अंदर दिखाई जाएगी 7,500 से। 22nd जैन की ट्रांजेक्शन है, हमने डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट ओपन करना है टू बैंक अकाउंट, लेकिन कैश कॉलम के अंदर 7,500 रुपये रिकॉर्ड कर देंगे।
यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रेडिट है तो कैश बुक की क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट बाय कैश अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, लेकिन बैंक कॉलम के अंदर 7500 रिकॉर्ड किए जाएंगे। 22 जैन को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे अपोजिट अकाउंट बाय कैश अकाउंट के नाम से, लेकिन बैंक कॉलम के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी अमाउंट 7500 से। लेजर फोलियो कॉलम के अंदर हमने ये सी वर्ड लगा देना है, क्योंकि ये एंट्री काउंटर एंट्री है। आपस में ये दोनों साइड दिखाई गई, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी, जो ये दिखाई गई है काउंटर बैलेंस हो चुकी है। 23 जैन की ट्रांजेक्शन कहती है रिसीव हुआ चेक अनिल से और डिपॉजिट कर दिया गया बैंक के अंदर, जैसे चेक रिसीव हुआ उसको बैंक में जमा करा दिया। तो हम यहाँ पे एंट्री क्या करते, बैंक अकाउंट डेबिट होता टू अनिल के नाम से दिखाते, तो बैंक अकाउंट डेबिट करते तो कैश बुक के डेबिट साइड पे टू अनिल के नाम से बैंक कॉलम के अंदर 4623 जैन को रिकॉर्ड करते हैं। 23 जैन को टू अनिल के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है वो बैंक कॉलम के अंदर की जाए, क्योंकि बैलेंस बैंक के अंदर जमा करा दिया गया है। तो यहाँ पे 4600 हमने बैंक कॉलम के अंदर रिकॉर्ड कर लिए। 27 जैन की ट्रांजेक्शन अनिल चेक रिटर्न बाय बैंक डिसओनर, तो यहाँ पे जो चेक था अनिल से रिसीव हुआ था वो बैंक के अंदर जमा कराया था, अब वही चेक डिसओनर हो गया, खाली हो गया। तब यहाँ पे हम जानते हैं कि जैसे डिसओनर होता चेक तो उसकी काउंटर एंट्री कर देते हैं। तो जब हमने यहाँ पे एंट्री की थी जर्नल एंट्री डिपॉजिट करवाने की चेक को बैंक के अंदर, तो हमने ट्रांजेक्शन की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिल के नाम से, तो अब यहाँ पे काउंटर एंट्री कर देंगे अनिल टू बैंक अकाउंट के नाम से। तो 27th ऑफ जैन को यहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी बाय अनिल के नाम से। जैसे यहाँ पे मैं टू अनिल करके डिपॉजिट किया था, यहाँ पे डिसऑनर करके कैंसिल करेंगे तो 4600 है जो बैंक से यहाँ पे काउंटर एंट्री करके कैंसिल कर दिए गए हैं। 28 जैन को कंप्यूटर परचेज किया गया और पेमेंट चेक के थ्रू की गई है, कंप्यूटर ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर आता है, तो जब कंप्यूटर परचेज करके लेके गए तो पेमेंट की गई है चेक के थ्रू। तो यहाँ पे हमने कैश बुक के अंदर पेमेंट साइड पे बैंक कॉलम के अंदर रिकॉर्ड करेंगे बाय ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से 28 जैन की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। 28 जैन को बाय ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से पेमेंट चेक के द्वारा की गई स्कैन से बैंक कॉलम के अंदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे 8000 रुपये की। 30 जैन पेड चैरिटी पेमेंट की गई है, तो कैश बुक में पेमेंट साइड पे दिखाएंगे। यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया बैंक के द्वारा ट्रांजेक्शन, तो हम माने कैश दी गई है, तो यहाँ पे कैश कॉलम के अंदर दिखा दिया जाएगा 120 रुपी। 30th जैन को बाय चैरिटी अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, बाय चैरिटी अकाउंट के नाम से जो पेमेंट की गई है 120, तो यहाँ पे कैश कॉलम के अंदर रिकॉर्ड कर ली जाएगी। 31 जैन की ट्रांजेक्शन पेड इनटू बैंक, यानी कि बैंक में पैसा जमा कराया गया है, तो जब बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, कैश बैलेंस कम हो जाता है, जिस कारण से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट के नाम से। ये काउंटर एंट्री है, पहले एंट्री रिकॉर्ड करते हैं देन पोस्टिंग करते हैं कैश बुक में। जब बैंक के अंदर पैसा जमा करा के आए बैंक बैलेंस बढ़ गया, सेकेंडली बैंक यहाँ पे पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, जब बैंक में पैसा जमा कराया गया तो बैंक रिसीव करे इस कारण से बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया गया। और टू में कैश अकाउंट दिखाएंगे, कैश अकाउंट कैश रियल अकाउंट के अंदर आती है, रियल अकाउंट का रूल कहते हैं क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है इस कारण से इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। जो यहाँ पे जमा कराए गए पैसे 12000 से करवाए गए हैं, रिकॉर्ड करेंगे अब कैसे कैश बुक के अंदर जर्नल को, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट है, कैश बुक की डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू कैश अकाउंट ओपन किया जाएगा, लेकिन बैंक कॉलम के अंदर दिखाएंगे 12000 रुपीज से। तो यहाँ पे 31 जैन को टू कैश अकाउंट के नाम से दिखाया जाएगा, लेकिन बैंक कॉलम के अंदर दिखाएंगे 12000। तो यहाँ पे काउंटर एंट्री है, तो इसके आगे सी लगा दिया जाएगा। कैश अकाउंट क्रेडिट है, कैश बुक की क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट बाय बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, लेकिन कैश कॉलम के अंदर पोस्टिंग की जाएगी। 31st ऑफ जैन को यहाँ पे कैश क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट बाय बैंक अकाउंट ओपन किया जाएगा, लेकिन कैश कॉलम में दिखाएंगे 12000 में। यहाँ पे लेजर फोलियो के अंदर ये काउंटर एंट्री, तो सी वर्ड लगा देंगे। इस तरीके से हमारे पास ये ट्रांजेक्शन पूरी कंप्लीट हो चुकी है पोस्टिंग। अब करते हैं इनका टोटल, तो यहाँ पे टोटल रिसिप्ट्स लेंगे कि कितनी टोटल रिसिप्ट्स हैं जो रिसीव हुई हैं।
सबसे पहले कैश कॉलम की जो टोटल शिफ्ट बनती है वो बनती है 42,300 से, और जो बैंक कॉलम की टोटल शिफ्ट बनती है 45,000 से। तो यहाँ पे क्लोज करेंगे तो टोटल पेमेंट है जो पता चल जाएगी। तो यहाँ पे पेमेंट बनती है 38,520 से और बैंक की पेमेंट बनती है 32,700 से। क्लोजिंग बैलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल शिफ्ट बनती है 42,300, वहीं पे टोटल पेमेंट बनती है जो 38,520। तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ रहा है 3780 का। यहाँ पे शिफ्ट 45,000 है जबकि पेमेंट सिर्फ 32,700 है, तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा 12,300 से। तो ये हमारे पास डेबिट बैलेंस आ चुके हैं दोनों साइड के। अब हम जानते हैं कि जो क्लोजिंग बैलेंस होता है लास्ट, यानी कि जो 31 जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस है वही 1 फरवरी का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे टू बैलेंस बीडी के नाम से जब रिकॉर्ड किया जाएगा तो यहाँ पे 3780 और इसका बैंक कॉलम का 12,300 रिकॉर्ड किया जाएगा। तो हमारे पास ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता था बच्चों डबल कॉलम कैशबुक का। आई होप क्या क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कवर करें कंसेप्ट। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफेशनसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।